रहा है कि जो लहसुन हमने बोई थी 40-40, 50-50, 60-60 बीघे की जो लहसुन बोई थी, आज स्थिति ये है कि बिकने को तैयार नहीं है। मैं हमारे कैमरा मैन से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं, ये जामला नदी में डंपर चला रही है, बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी की लहसुन थी जो आज अच्छी लगती। ये कोई खराब लहसुन नहीं है, किसी किसान को लग रहा हो या किसी व्यापारी को लग रहा हो कि सरकार किसी अधिकारी को लग रहा हो ये लहसुन खराब है, तो ये ऐसा नहीं है। ये देख लो, ये लहसुन खराब नहीं है और पूरी की पूरी आइसर फेंक दी। तो आज स्थिति ये है कि एक मोटरसाइकिल 5 साल में उसकी कीमत डबल हो गई है, आपको कपड़े की कीमत डबल हो गई है, मोबाइल की कीमत डबल हो गई है, डीजल पेट्रोल सभी की कीमत लगभग डबल हो चुकी है। केरोसिन आज भी गेहूं 2000 रुपए क्विंटल में चाहिए, लहसुन उनको आज भी 5 रुपए किलो चाहिए, प्याज 5 रुपए किलो चाहिए, आलू 5 रुपए किलो चाहिए। तो या तो हमें किसानी छोड़ना पड़ेगी या तो हम मजदूरी करने, मजदूर की आज देखो मजदूर की मजदूरी डबल हो गई है, लेकिन किसान की स्थिति जिस तरह से, अगर केसीसी अगर नहीं होता तो ये समझ लो कि किसान के घर में खाने के लाले, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और उसकी स्थिति मानता हूँ मैं कि किसान ने इस बार अच्छी, कोई भी चाहता है कि मैं ज़्यादा तरक्की करूँ कि एकमात्र किसान ही एक ऐसा क्षेत्र है या परिक्षेत्र बोल सकते जिसको जिसमें प्रोडक्शन बढ़ने की सजा मिलती है, उत्पादन बढ़ने की सजा मिलती है, शाबाशी नहीं मिलती है। उत्पादन अगर बढ़ा है तो उसका खामियाजा में भुगतना पड़ता है, अगर कोई फैक्ट्री अगर उत्पादन ज़्यादा करती है तो उसकी इनकम बढ़ती है, लेकिन किसान अगर उत्पादन कोई ज़्यादा करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हो कि ये एक आइसर पूरी भर के नागदा जिला धार बदनावर तहसील का एक छोटा सा गांव है, इसमें पूरी आइसर डंप कर दी गई है। आप देख सकते हो किसान की स्थिति बहुत ही बुरी है।